इनके अंडे कितने हैं। माशाल्लाह दो बच्चे निकले हुए हैं जबरदस्त। अब इनकी ब्रीड अच्छी आई है, आप देख रहे हैं बहुत जल्दी इनके बच्चे निकले हैं और दो निकले हैं। और इस मरतबा इन्होंने अंडे बहुत जल्दी दिए और बच्चे बहुत जल्दी हैच हुए हैं माशाल्लाह। इनका भी चेक सेक आ गया है, ये देखें ये हिल रहा है आगे पीछे। इसका भी एक चिक्स आ गया है और ये अंडों के ऊपर बैठी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स आज जो कि अब मेरा व्लॉग है सिर्फ जावा के लिहाज से, और जावा के बारे में आज जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है वो ये कि मैंने तकरीबन कल पानी उठा लिया था जोहर के वक्त, और फिर मैंने आज ये बानी इनको 10 बजे, तो काफ़ी घंटे का टाइम इनको मिल गया पानी ना मिलने की वजह से। तो जब मैंने इनको 10 बजे पानी दिया दूसरे दिन, तो इन्होंने पानी बहुत ज़्यादा पिया, एक मिनट ने बहुत ज़्यादा पानी पिया, जिसकी वजह से पानी पीने के बाद ना वो जो हीट वाला बल्ब होता है उसके पास जाके ना बैठ गई है और अपना सारा जिस्म में छुपा के बैठ गई है। तो इससे मुझे ये कन्फर्म हो रहा है कि उसको मैदे का मसला हो गया है और उसको ठंड लग रही है, तो इस वजह से वो हीट के पास बैठी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको उठाऊँगा और दूसरे केज में डालूंगा, और उस केज को उठा के मैं धूप रखना है, उसके बाद मैंने इसको 3-4 घंटे ना पानी देना ना खुराक देनी है। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह आप स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये ब्लैक जो है ना विंग वाला, ये ब्लैक विंग वाला, तो ये थोड़ा सा वो हुआ बैठा है, सुस्त हुआ बैठा है, और अब मैंने इसको पकड़ना है और इसको मैंने थोड़ी धूप लगवानी है। धूप लगवाने के बाद मैंने फिर इसको दाना पानी देना, और इसके बाद इसको मैंने वो टैबलेट देनी है जिससे थोड़ा इसका जो निज़ाम है वो सेट हो जाए, क्योंकि अब वो उस जगह चुप के बैठ गया है। तो अब मैं इसको पकड़ता हूँ, तो ये मैंने पकड़ लिया इसको, और ये देखें ये पकड़ लिया मैंने इसको, और इसको अब मैं दूसरे केज में डालना है जी। तो ये और इसको मैंने पकड़ लिया है, और जो कि ये इस वक्त थोड़ी सी आग भी भाग रही है, फड़फड़ा रही है, तो अब मैं इसको साइड पर रखूँगा, तकरीबन 2-3 घंटे धूप पे इसको दूंगा ताकि ये थोड़ी सी अपनी जैसे ये इसकी नेचर थी वो उसी नेचर पे आ जाए। तो अब मैं इसको साइड पर रखता हूँ धूप के ऊपर, और फिर मैं आपको इनकी ब्रीड दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अंडे कितने हैं। माशाल्लाह दो बच्चे निकले हुए हैं ज़बरदस्त। अब इनकी ब्रीड अच्छी आई है, आप देख रहे हैं बहुत जल्दी इनके बच्चे निकले हैं और दो निकले हैं, और इस मरतबा इन्होंने अंडे बहुत जल्दी दिए और बच्चे बहुत जल्दी हैच हुए हैं, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्दी सेल्फ हो जाएंगे। माशाल्लाह ये भी कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम चलते हैं। तो भी अब हम आ चुके हैं बजरी केज की तरफ, और देखते हैं इनकी क्या प्रोग्रेस है, इनके भी कोई चेक्स निकला है या नहीं निकला। माशाल्लाह इनका भी चेक्स एक आ गया है, ये देखें ये हिल रहा है आगे पीछे। इसका भी एक चिक्स आ गया है, और ये अंडों के ऊपर बैठी है। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे बजरी जो है माशाल्लाह रोज़ बरोज बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं डव केज की तरफ। अच्छा।
तो व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं डव केज में और ये अंडों के ऊपर बैठी है और इसके अंडे देखने पड़ेंगे। इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अंडे तो पड़े लेकिन इनको उठा के मैं देखता हूँ। ये चार अंडे दे के बैठी है।